तो बायर होता है ना, उसको पता है कि इस मार्केट में लेमन्स भी हैं, प्लम्स भी हैं, और लेकिन अगर हम अलग अलग बात करेंगे लेमन्स की और प्लम्स की, बायर जो है वो विलिंग टू पे है, या डिमांड प्राइस उसको हम बोलते हैं, वो बोलता है कि अगर ये लेमन प्योर होगी तो मैं 30,000 देने के लिए तैयार हूं, 30,000, ओके, बट अगर ये प्लम प्योर होगी तो मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये मिक्सड मार्केट, बट अगर यहां पे मिक्सड मार्केट है, यानी कि लेमन्स भी है और प्लम्स भी है, अब बायर को पता ही नहीं है कि जब मैं कोई कार खरीदूंगा क्या वो लेमन है या प्लम है, तो वो बोलता है कि अब मैं इनकी कंबाइंड एवरेज दे पाऊंगा, ठीक है ना, वो 30,000 देगा ना वो 50,000 देगा, वो क्या देगा फिर 40,000, क्यों, अब चांसेस है कि उसको लेमन भी मिल जाए या प्लम मिल जाए मिक्सड मार्केट। लेकिन ये कंडीशन तब अराइज होती है जब इनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, अगर लेमन कार्स जो है वो फॉर एग्जांपल 50 है, प्लम भी क्या है 50 है, जब इनका रेशियो मार्केट में सेम होता है तब ये सिचुएशन होती है कि वो बायर जो होता है वो बोलता है कि मैं इतना पे कर सकता हूं, अगर मिक्सड मार्केट की बात, ये बायर की साइड से, ठीक है। अब जब बायर इस मार्केट में आता है तो 50-50% चांस होते हैं, हाफ ये 50-50% चांसेस होते हैं कि इसको लेना मिल जाए या इसको प्लम मिल जाए। लेकिन जब मिक्सर मार्केट की बात हो, अगर लेना है तो 30,000 देने के लिए तैयार है, अगर प्लम है तो 50,000, बट मिक्सर मार्केट ही इज विलिंग टू पे ओनली 40,000। ये समझ रहा है। अब सप्लाई साइड दे देंगे हम, ठीक है, सप्लाई इज विलिंग टू सप्लाई ओनली, अगर लेमन है, ठीक है, लेमन के लिए हमको चाहिए 25,000, ओके, वो तब तक लेमन का नहीं बेचेंगे जब तक इनके पास, मतलब जब तक बायर 25,000 नहीं देगा, ठीक है, तब तक वो लेमन नहीं बेचेंगे, अच्छा तब तक वो प्लम्स नहीं बेचेंगे जब तक बायर 45,000 मतलब पे नहीं करेगा। अब यहां पे कंबाइंड एवरेज ढूंढनी है, क्योंकि ये इनका कॉस्ट प्राइस है, इनको इतना मिलना ही चाहिए, 25,000 इनका कॉस्ट प्राइस है लेमन का, ये इनको मिलना ही चाहिए, ठीक है, यहां पे प्लम्स 45,000 ये इनको मिलना ही चाहिए, अगर प्राइस इसके, अगर बायर जो है वो इसके नीचे दे रहा है तो ये इनको बेचेंगे नहीं, ओके। अब देखेंगे ना, सेलर्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर देयर कार्स, अगर इस टेबल को देखोगे ना, इन मिक्सड मार्केट, मिक्सड मार्केट में क्या होता है जहां पे लैक ऑफ रेलवे इन्फॉर्मेशन होती है, ये देने के लिए मतलब 40,000 देने के लिए तैयार है, बट अगर यहां पे देखोगे ना, ये बेचने के लिए तैयार ही नहीं है।